हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोकेंस इन जावा। तो चलिए जानते हैं जावा में टोकेंस क्या होता है। सो टोकेंस जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग एक घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए। हम लोग को ब्रिक्स चाहिए, कॉन्क्रीट चाहिए, उसके बाद हम लोग को सैंड चाहिए होगा, हम लोग को सीमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ मिला के क्या होता है, एक घर बनाया जाता है। तो वैसे ही जब हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में बहुत सारा छोटा 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 पार्ट होगा, सब पार्ट को एक साथ में मिला के एक प्रोग्राम होता है। और वो जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोकेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकेंस। दैट मीन्स जो प्रोग्राम होगा, या कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, जावा हो सकता है, या तो पाइथन हो सकता है, सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, कुछ भी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जो सबसे छोटा पार्ट होगा एक प्रोग्राम का, उसको हम लोग बोलेंगे टोकेंस। सो फॉलोइंग आर द टोकेंस इन जावा। जावा में ये जो पांच प्रकार है, इस पांच प्रकार का टोकेंस होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे कीवर्ड, सेकंड को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर, थर्ड को हम लोग बोलेंगे लिटरल्स, फोर्थ को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर्स, एंड फिफ्थ को हम लोग बोलेंगे सेपरेटर और पंक्चुएटर्स। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके जो हर एक टोकेंस है, एक टोकेंस हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते एक एक करके हर एक टोकेंस क्या होता है। तो फर्स्ट टोकन जो हम लोग के पास में आता है वो होता है कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग फॉर द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो जावा है, जावा एक ऐसा स्पेशल टाइप का लैंग्वेज है जिसमें दो लैंग्वेज प्रोसेसर यूज होता है, कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो ऐसा वर्ड जो कि जावा कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर के लिए एक स्पेशल मीनिंग बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कीवर्ड्स। जैसे कि मान लीजिए सिस्टम, सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कीवर्ड। जावा में हम लोग को लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कीवर्ड। तो वैसे ही हम लोगों को लिखना पड़ता है फॉर, फॉर भी एक हो जाएगा कीवर्ड्स। तो वैसे ही व्हाइल, डू, इंट और भी बहुत सारा है, फ्लोट, डबल, बहुत सारा होता है। उसके बाद होता है न्यू, तो ये सब जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे कीवर्ड। सो कीवर्ड जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि जैसा दिया हुआ है वैसा ही हम लोग को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा है, अगर सिस्टम का स्पेलिंग थोड़ा भी गलती होगा तो ये कीवर्ड नहीं होगा, तो आपका प्रोग्राम जो है प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड, जो भी हम लोग कीवर्ड प्रोग्राम में यूज करेंगे, हर एक कीवर्ड का जो स्पेलिंग है जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को दिया है वैसा ही हम लोग को यूज करना पड़ेगा, उसको हम लोग चेंज करने नहीं सकेगा। तो ये हम लोग का हो जाता है कीवर्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर एक ऐसा टाइप का एक प्रोग्राम पार्ट होता है जो कि हम लोग खुद से उसका नाम देंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे कि उसका नाम क्या होगा। जैसे कि कीवर्ड, कीवर्ड में क्या था हम लोग का, कीवर्ड में हम लोग का बस में एक रेस्ट्रिक्शन था, जैसा दिया हुआ है वैसा ही यूज करना पड़ेगा। सिस्टम का जगह में अगर कुछ और लिख देते हैं हम लोग तो उसमें एरर आ जाएगा, लेकिन यहां में ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिफायर क्या होता है, हम लोग खुद से आइडेंटिफायर का नाम देंगे। सो आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए a इक्वल टू 10, सो a हो जाएगा वेरिएबल। वैसे फंक्शंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है और क्लासेस भी हो सकता है।
तो जैसे कि मैंने कहा है, वेरिएबल का जो नाम है वो हम लोग खुद डिफाइन करेंगे और हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ में एक कंडीशन है। ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड का साथ में मैच नहीं होना है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 10, अगर हम लोग लिखते हैं कि a इक्वल टू 10, दैट मीन्स a इक्वल टू 10 इज अलाउड। अगर हम लोग लिखते हैं for इक्वल टू 10, तब ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि for एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड को हम लोग एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं सकेंगे और एज ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने नहीं सकेंगे। तो इसका बाद भी जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो जब हम लोग वेरिएबल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है लिटरल्स। लिटरल्स आर द रॉ डेटा गिवन इन अ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। लिटरल्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है a इक्वल टू 10, तो यहां में a जो है, a क्या हो जाता है, वेरिएबल, और a साइड में मैंने क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 को हम लोग बोलेंगे लिटरल्स। दैट इज व्हाई लिटरल्स आर द रॉ डेटा, मतलब ये रॉ डेटा है, ये डेटा है, ये 10 भी हो सकता है, मतलब होल नंबर भी हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है, फ्लोट नंबर दैट मींस 10.5 डेसिमल प्लेस जहां में आता है उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, यहां में स्ट्रिंग भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मींस लिटरल्स आर द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। लिटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी एक वेरिएबल या तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू। तो लिटरल बहुत तरह का लिटरल होता है, न्यूमेरिक लिटरल्स, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस है न्यूमेरिक लिटरल्स में। न्यूमेरिक लिटरल वो होता है जो कि न्यूमेरिक नंबर होता है, मान लीजिए 10, 20, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो सकता है, मान लीजिए 10.5, -10.5, ऐसा हो सकता है। तो ये हम लोग का हो जाता है न्यूमेरिक लिटरल्स। तो वैसे ही जैसे न्यूमेरिक लिटरल्स होता है, वैसे ही स्ट्रिंग लिटरल भी होता है। स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा वो पार्ट जो कि हम लोग अपना नाम लिखेंगे, सपोज किसी का नाम लिखना है, किसी जगह का नाम लिखना है, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल। जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल होता है, वैसे ही बुलियन लिटरल भी है। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू फॉल्स। तो ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बुलियन लिटरल। बुलियन का वैल्यू दो होता है, आइदर ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। और भी इसका बाद में भी बहुत सारा लिटरल्स होता है, जब हम लोग लिटरल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग सब एक एक करके जानेंगे कि जावा में लिटरल्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स आर द सिंबॉलिक कैरेक्टर व्हिच ऑपरेट्स द स्टेटमेंट एंड फॉर्म एन एक्सप्रेशन। सो ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है। तो वैसे ही गाड़ी का ड्राइवर, प्लेन का पायलट, वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर मशीन को चलाता है। तो वैसे ही जब हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उस स्टेटमेंट को चलाने के लिए कोई एक ऑपरेटर चाहिए होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर। एक साइन चाहिए होता है, उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है ए प्लस बी, तो a प्लस बी अगर हम लोग देते हैं तो इससे क्या होता है, एक मीनिंग निकल के आता है कि a और b को प्लस करना है। लेकिन अगर मैंने इसका जगह में ऐसा लिखा है a स्पेस b, तो इससे कुछ मीनिंग निकल के नहीं आता है, मतलब a स्पेस b क्या है, कुछ नहीं। लेकिन उसी जगह में स्पेस का जगह में अगर हम लोग लिख देते हैं कि a प्लस बी या तो a माइनस बी, तब कुछ मीनिंग निकल के आता है कि a से
b को प्लस करना है, a से b को माइनस करना है। तो वैसे ही ऑपरेटर का भी अलग अलग टाइप होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा होता है। रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल डबल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे कि इक्वल साइन सिंगल इक्वल साइन अगर होता है तो उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है। लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोग समझेंगे, ये सब ऑपरेटर जो है हम लोग समझेंगे जब हम लोग ऑपरेटर चैप्टर को लर्न करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेटर पंक्चुएटर्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेपरेटर और पंक्चुएटर्स आर द स्पेशल कैरेक्टर व्हिच डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल एक्सप्रेशंस। दैट मींस सेपरेटर या तो पंक्चुएटर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि हम लोग का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। जब भी हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्राम में हम लोग कोमा देते हैं, डॉट देते हैं, सेमीकोलन देते हैं, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, राउंड ब्रैकेट देते हैं, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। तो चलिए जान लेते हैं कि ये सेपरेटर क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम मैंने लिखा है। तो यहाँ में देखिए आप, मैंने यहाँ में कर्ली ब्रेसेस दिया है, तो ये ब्रेसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। तो वैसे कोमा जो है, कोमा इस कोमा को हम लोग बोलेंगे, या तो सेमीकोलन जो है इसको हम लोग बोलेंगे सेपरेटर। ये क्या करता है, मान लीजिए एफ इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू वन, ये दो स्टेटमेंट अलग अलग है, ये दो स्टेटमेंट को डिवाइड कर दिया। किसने डिवाइड किया, कोमा ने डिवाइड किया। किसने सेपरेट किया, कोमा ने सेपरेट किया। तो वैसे ही टी इक्वल टू एफ प्लस एस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और प्रिंट टी, इसको ये दोनों स्टेटमेंट को कौन सेपरेट किया, ये सेमीकोलन ने सेपरेट किया। तो वैसे ही एफ इक्वल टू एस, एस इक्वल टू टी, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट को किसने सेपरेट किया, ये सेमीकोलन ने सेपरेट किया। तो ये हम लोग का हो जाता है सेपरेटर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक का साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में लाइक कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।